चलो अब देखो। अच्छा इंग्लिश वीक है, तुम वीक हो, इंग्लिश नहीं वीक है सागर। चलो अनएडुकेटेड फॉक्स ऑफन फेस प्रॉब्लम्स एट बैंक्स। मैं आंसर बताता जाऊंगा, किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके अपना, ठीक है। अब देखो, नहीं फ्रेजेस नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नहीं बच्चे, एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को छोड़ दो, उनके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। एडवर्ब्स सबसे पहले यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, इस सेंटेंस में एक एडवर्ब ही है, ठीक है। यहाँ पर एक एडवर्ब ट्वाइस है, यहाँ पे एक एडवर्ब सेल्डम है, यहाँ पे एडवर्ब फॉर्मरली है, और ही हैज टू केयरलेस, ही वॉज, सॉरी ही वॉज टू केयरलेस, ये टू एडवर्ब है। तो ये जो पांचों सेंटेंस है ना, इनमें एक ही एक एडवर्ब है, सब में एक ही एक एडवर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब है ऑफन, दूसरे में है ट्वाइस, उसके नेक्स्ट में है सेल्डम, उसके बाद में फॉर्मरली, और उसके बाद में है टू, बाकी एडवर्ब किसी में नहीं है। अब यहां पे ध्यान से देखो समझना, ऑफन जो होता है ना और सेल्डम है, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होते हैं जो किसी काम के होने या किए जाने के रिपीटेशन को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ट्वाइस जो है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे ना कुछ तुम लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो ट्वाइस है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको ध्यान से देखो, हमने मेन वर्ब से पहले लिखा, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमने उसको वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके के होते हैं, मैं यहीं पर लिख के समझा देता हूं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे एडवर्ब्स जो कि डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, और एक ऐसे जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। मतलब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे जो एडवर्ब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं, कुछ इनडेफिनेट को। डेफिनेट वाले एडवर्ब्स देखो क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा ट्वाइस, ठीक है, थ्राइस, अगेन, ये क्या आ गया, ठीक है, जैसे हमने लिखा अगेन, वीकली, मंथली, ठीक है, आवरली, एवरीडे, या डेली लिख देता हूं मान लो, ठीक है, डेली एटसेट्रा, ठीक है। तो ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, डेफिनेट हो गई। एट बैंक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें फ्रेज नहीं पढ़नी, हमें केवल एडवर्ब आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो जैसे ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, दो बार, डेफिनेट हो गया फ्रीक्वेंसी। एवरीडे या डेली का मतलब हो गया रोज, एवरीडे का मतलब हो गया, डेली का मतलब हो गया वंस अ डे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गई। वीकली का मतलब हो गया वंस अ वीक, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में देखो आपके क्या आते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, एटसेट्रा, रेगुलरली, ये सब है इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम लिख दें ही ऑलवेज हेल्प्स मी, कि वो हमेशा मेरी मदद करता है, तो ऑलवेज से ये पता नहीं चला कि रोज, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ये पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो यहां पर हमें ध्यान ही रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके से होते हैं, कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, कुछ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं। जो एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनको यूजली मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, और जो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनको वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है। फिर आ गया सेल्डम, सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली मैं इनडेफिनेट लिखूंगा नहीं, वो अपना तुम ध्यान रखना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो भी एडवर्ब्स हाउ ऑफन को रिप्लाई करते हैं, ठीक है, रिपीटेशन को, फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं, वो सब एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। फिर आ गया फॉर्मरली, एडवर्ब ऑफ टाइम,
फॉर्मरली का मतलब पहले, बट नॉट नाउ, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर्मरली का मतलब एट अ फॉर्मर टाइम। फिर आ गया टू, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे हमने कहा ही वॉज केयरलेस, हाउ मच केयरलेस, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना ज्यादा केयरलेस था, तो ये बताने के लिए हम लिख दे टू, तो टू हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये कुछ कॉमन वर्ड्स है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तुम चाहो तो अपना ध्यान में रख सकते हो। देखो जैसे एज है, सो है, टू है, वेरी है, एनफ है, ठीक है, क्वाइट है, रादर है, फेयरली है, ऑलमोस्ट है, समवट है, एटसेट्रा, ये सब ना एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होते हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। हाउ मच को रिप्लाई करने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये इस स्लाइड में जो सेंटेंसेस हैं उनमें एडवर्ब्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो गए। नेक्स्ट में आ जाइए, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पे भी देखो कुछ एडवर्ब्स होंगे। मैं एडवर्ब्स तुम्हें बता देता हूँ, टाइम अपने आप पता लगाना कौन से टाइप के हैं। यस्टरडे, फार, डिलाइटफुली, हाउ, डिलाइटफुली, ठीक है, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। हर एक सेंटेंस में एक एडवर्ब है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया तुम्हारे लिए यहाँ पर। अब तुम लोगों को जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये कौन से टाइप के एडवर्ब हैं, टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें। एक मिनट, देखो टुडे है, टुमारो है, नाउ है, देन है, यस्टरडे है, सून है, अर्ली है, ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ बार बार क्यों लिख रहे हैं हम लोग, हाँ पता तो है ही कि एडवर्ब को पहचाना जा रहा है, तो टाइम, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। मेन क्लॉज जो हमारी मेन वर्ब है डिड नॉट डिलीवर, उसके होने का टाइम है। ठीक है, फिर आ गया फार। अब जैसे हमने कहा कि द सिचुएशन इज बेटर नाउ, हाउ मच बेटर, कितनी बेटर, हाउ मच का रिप्लाई, तो जो भी एडवर्ब्स हाउ मच को रिप्लाई करते हैं वो सारे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो फार हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, फिर हमने कहा द सिंगर सैंग, हाउ, हाउ डिड ही सिंग, हाउ, हाउ का रिप्लाई है, तो ऐसे एडवर्ब्स जो हाउ का रिप्लाई होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। फिर हमने कहा हाउ इज एवरीबॉडी इन द फैमिली। ठीक है, अब देखो ये जो हाउ है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, ठीक है, एटसेट्रा। एक मिनट बच्चों, हाउ, वेन, वेयर, वाई, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे होते हैं या तो इंटरोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब। अगर हम इनका यूज करें सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए तब तो ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, अदरवाइज ये होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। अगर क्वेश्चन पूछने के लिए हम इन वर्ड्स के, देखो वेन, वेयर, वाई, हाउ जो वर्ड्स हैं ना ये एक्चुअली एडवर्ब्स हैं, अगर हम इनका यूज करें क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, और अगर हम इनका यूज करें सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। मतलब यही रिलेटिव एडवर्ब हैं, यही इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने इनका यूज कैसे किया है। अब जैसे यहां पर हमने इस हाउ का यूज किया क्वेश्चन पूछने के लिए, सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए नहीं किया, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, हाँ, नेक्स्ट में आ जाओ। वॉज दी एटमोसफियर डिलाइटफुली प्लेजेंट, ठीक है,
तो यहाँ पे जो डिलाइटफुली है ना, हाउ मच का रिप्लाई है, ध्यान से देखो, हाउ का रिप्लाई नहीं है। जैसे हमने लिखा वॉज द एटमोसफेयर प्लेजेंट, हाउ मच प्लेजेंट, प्लेजेंट इन अ टू अ डिलाइटफुल डिग्री। तो जो डिलाइटफुली है ना, यहाँ पे हाउ मच का रिप्लाई है, ठीक है, प्लेजेंट का कोई मैनर नहीं हो सकता, प्लेजेंट की डिग्री हो सकती है कि कितना प्लेजेंट, ठीक। तो ये यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एक ही एडवर्ब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि टाइप बदल जाए। अब जैसे यहाँ पे डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर था, क्योंकि हाउ को रिप्लाई कर रहा था, कैसे उसने गाना गाया, मैनर, ठीक है। यहाँ पर कैसा प्लेजेंट था ये नहीं बताना है, कितना प्लेजेंट था ये बताना है, तो यहाँ पे डिग्री को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट में जी, यू आर पार्टली राइट, ये एडवर्ब है। क्वाइट रॉन्ग, ये एडवर्ब है। मतलब इसमें दो एडवर्ब है। एम्बिशन ऑलवेज अर्जेस वन फॉरवर्ड, ये एडवर्ब है।